हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। हमारे आज के वीडियो में मैं एमए प्राइवेट सोशियोलॉजी के सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए वीडियोस तैयार कर रही हूँ। तो उसमें मैंने आप लोगों को पहले जो जो सब्जेक्ट जो जो टॉपिक्स आप लोगों के पेपर्स जितने भी हैं आपके सेकेंड ईयर के, अपने पिछले वीडियो में मैंने उनके बारे में आप लोगों को बता दिया था। अब आज का हमारा जो वीडियो है, हम फर्स्ट पेपर जो है हमारा सोशियोलॉजी सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, जो फर्स्ट पेपर है हमारा भारत में समाज यानी सोसाइटी इन इंडिया, तो उसकी जो फर्स्ट यूनिट है, टोटल इसमें 5 यूनिट्स आ रही हैं आपकी, ठीक है। जो फर्स्ट पेपर है सेकेंड ईयर में उसकी टोटल 5 यूनिट्स आ रही हैं आपकी। तो 5 यूनिट्स में जो फर्स्ट यूनिट है हम वहां से स्टार्ट करेंगे आज से, है ना। तो यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक जो है आपका वो है इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी समाज की, इंडिया की यानी भारत की सामाजिक संरचना, ठीक है। तो पहला हमारा जो यूनिट फर्स्ट है हमारी, उसका मेन टॉपिक जो है वो है इंडियन सोशल स्ट्रक्चर यानी भारतीय सामाजिक संरचना, कि हमारे भारत के अंतर्गत हमारे समाज की रचना किस प्रकार से की गई है और कैसी होती है। तो इसके अंतर्गत आप लोग के कई सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में आपके 5 टॉपिक हैं। 5 टॉपिक में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका कास्ट, सेकेंड आपका क्लास एंड ट्राइब, थर्ड है आपका रिलीजियस ग्रुप्स, फोर्थ है आपका रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज, फिफ्थ है वैल्यूज, ठीक है। तो ये टोटल आपके 5 टॉपिक हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, अब सोशल स्ट्रक्चर क्या है। सोशल स्ट्रक्चर पे प्राइवेट के जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके में भी ये सोशल स्ट्रक्चर का एक टॉपिक था उनकी फर्स्ट यूनिट में, तो वो टॉपिक मैंने बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं मैं, तो आप लोग उसमें से जाकर के सोशल स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है वो समझ सकते हैं कि आपकी सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है। हालांकि आपके जो 5 टॉपिक आने वाले हैं इनमें ये टॉपिक जो है ये आपका मेन हेडिंग है आपकी इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, तो इसमें आप लोगों को बस मैं इतना बताना चाहूंगी कि सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं शॉर्ट में आपको आज बता देती हूँ कि सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक्स के बारे में स्टडी शुरू करेंगे। तो सोशल स्ट्रक्चर जो है आपका, उसको हम हिंदी में कहते हैं सामाजिक संरचना। अब सामाजिक संरचना से हमारा अभिप्राय है ऐसी संरचना जिसमें उससे संबंधित सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि उनके जुड़े रहने के कारण ही एक सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। सामाजिक संरचना से हमारा तात्पर्य हो गया ऐसी संरचना जिसके अंतर्गत आने वाले सभी तत्व एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो सामाजिक संरचना के अंतर्गत जो भी पॉइंट्स आते हैं वो आपकी हो गई फैमिलीज हो गई, फॉर एग्जाम्पल के लिए फैमिलीज हो गई, ठीक है, आपका धर्म हो गया, कानून हो गए, आपकी अर्थव्यवस्था हो गई, आपके वर्ग हो गए, तो ये सारी चीजें जो है वो सामाजिक संरचना के अंतर्गत आती है, जो भी आपका सोशल स्ट्रक्चर होता है उसके अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सामाजिक संरचना के तत्व जो है वो आपस में किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जिस प्रकार से हमारे शरीर की बनावट होती है, हमारे शरीर की बनावट कैसी होती है, हमारा शरीर जो है वो कई पार्ट से मिलकर के बना है, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, मुंह, तो इस तरीके से ये हमारे शरीर की जो संरचना है ये विभिन्न पार्ट से यानी विभिन्न तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, और इन तत्वों का आपस में मिलना, एक दूसरे से जुड़े रहना अत्यधिक जरूरी है। अगर ये पार्ट आपस में जुड़े नहीं रहेंगे तो हमारे शरीर की सामाजिक संरचना जो है, तो संरचना है हमारे शरीर की, वो किसी भी रूप में स्थिर नहीं रहेगी। तो इसीलिए जो सामाजिक संरचना है उसका हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने शरीर की बनावट से उसको कोरिलेट करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक सामाजिक संरचना में जो हर एक तत्व होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट
रोल होता है, एक इम्पोर्टेंट वर्क होता है सामाजिक संरचना के निर्माण में। उसी प्रकार से हमारे शरीर की संरचना के लिए जितने भी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, चाहे वो आंख हो, नाक हो, कान हो, मुंह हो, ये सारे जो हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इनका अपना अपना एक इम्पोर्टेंट वर्क होता है, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने में। तो उसी प्रकार से सामाजिक संरचना को बनाने में समाज के अंतर्गत आने वाले विभिन्न तत्व, जो आपकी चाहे तो वो परिवार हो गया, चाहे वो धर्म हो गया, चाहे कानून हो गई, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो गई, चाहे वो आपके वर्ग हो गए, वर्ग यानी जो क्लास हो गए आपके, तो उन सभी के अनुसार ही इसी इन सभी तत्वों से मिलकर के ही एक सामाजिक संरचना का निर्माण होता है और हमारी लाइफ में या समाज में इन सभी चीजों का अपना अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक मनुष्य की अगर किसी भी इंसान की हम बात करते हैं तो उसकी लाइफ में अपना फैमिली का अपना रोल है, उसका अपना वर्क जो वो प्रोफेशन वर्क में भी वो काम कर रहा है उसका अपना रोल है, उसके लिए जो अर्थव्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा तैयार करी गई है उसका अपना अलग रोल है, उसके लिए जाति का अलग रोल है, धर्म का अलग रोल है, कानून का अलग रोल है। तो सारी चीजों से मिलकर के ही समाज की संरचना होती है और हमारे समाज के अंतर्गत, हमारे भारतीय समाज के अंतर्गत इन्हीं संरचनाओं से मिलकर ही हमारा सामाजिक संरचना जो है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होता है। अब बात आती है कि सामाजिक संरचना शब्द जो है ये कहां से आया। तो सामाजिक संरचना जो शब्द है आपका, एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने अपनी बुक में इस शब्द का यूज किया है। उनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें उन्होंने इस शब्द का यूज किया है कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया है। तो सामाजिक संरचना जो यूनिट फर्स्ट का आपका मेन टॉपिक है वो है इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, जिसके बारे में आज मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब नेक्स्ट हम अपने वीडियो में जो है हमारा पहला टॉपिक जो है कास्ट यानी जाति, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये कास्ट वाला जो टॉपिक है आपका, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि जाति और वर्ग में क्या अंतर है, या जाति और समूह में क्या अंतर है, जाति कितने प्रकार की होती है, या जाति जो है वो अनुसूचित जाति में कितने वर्ग होते हैं, और आपके कितने प्रकार की जो होती है उसकी विशेषताएं क्या क्या है, जाति की विशेषताएं क्या क्या होती है, और जाति का एक क्या प्रमुख रोल है आपके भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पुट अप किए जाते हैं। हालांकि सेकेंड ईयर में जो है वो आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, तो इससे रिलेटेड जाति वाले टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें मैं अपना वीडियो भी आपको आगे धीरे धीरे करके बना के देती रहूंगी। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को कास्ट के बारे में स्टडी कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।